लेकिन मकर ध्वज ने उन्हें रोक दिया और कहा, आप कौन हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ? अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने कहा, अरे मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, फिर तुम कौन हो? दोस्तों, क्या आप जानते हो शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतार लिया था। जब श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर किया। हनुमान जी को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार महारुद्र भी कहा जाता है। खुद भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि को कहा था कि उन्होंने हनुमान के पराक्रम से ही रावण पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण दोनों को अहिरावण से भी बचाया था। अहिरावण रावण का मित्र था जो पाताल लोक में वास करता था। रामायण कथा के अनुसार रावण का आगमन रावण के प्रिय पुत्र इंद्रजीत मेघनाद के वध के उपरांत होता है। अहिरावण एक असुर था जो पाताल लोक में स्थित रावण का मित्र था। उसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम के शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। वह रात का समय था जब हनुमान जी पहरा दे रहे थे, तभी विभीषण के वेश में अहिरावण वहां पर पहुंचता है, जिस पर बजरंग बली ने उन्हें बुलाया और पूछा कि आप इतने देर रात कहां से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा पर वह संध्या करने गए थे और आने में बहुत देरी हो चुकी है, जिसके बाद सभी के सो जाने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाकर भाग गया। भगवान को क्या कोई हरण कर सकता है? लक्ष्मण तो 14 बरस बिल्कुल भी नहीं सोए थे, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकट करना चाहते हैं तो वे सामान्य मनुष्यों की तरह ही लीला करते हैं, और आज बजरंग बली की महिमा प्रकट होनी थी। वे चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चल पड़े। अगली सुबह सेना में बहुत कौतूहल मच गई। सुग्रीव, जामवंत, विभीषण सभी सावधान हो गए और फिर हनुमान जी ने घटना का वर्णन किया। विभीषण ने कहा, यह अहिरावण का माया जाल है, मेरा भेष और कोई नहीं ले सकता है। हनुमान ने कहा, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कितना भी मायावी क्यों ना हो, मैं उसके पास जाऊंगा और अगर मेरा उससे युद्ध होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा और मेरे प्रभु को वापस लेकर आऊंगा। हनुमान जी यात्रा शुरू करते हैं। संयोग से रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, देवी प्रेरणा से कुछ जानकारी मिली कि यही रावण भगवान को नागलोक ले गया है। वहां जाकर बजरंग बली ने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मकर ध्वज ने उन्हें रोक दिया और कहा, आप कौन हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ? अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने कहा, अरे मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, फिर तुम कौन हो? मगर ध्वज ने कहा, जब आप जलती हुई लंका के बाहर स्नान कर रहे थे तब एक मगरमच्छ ने आपका पसीना पी लिया था। मैं उनके ही गर्भ से पैदा हुआ हूँ। जिसके बाद बजरंग बली ने उनसे राम लक्ष्मण के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह कुछ नहीं जानता है। आज उसके प्रभु किसी की बलि दे रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है और वह बजरंग बली को भी वहां पर जाने नहीं देगा। जिसके पश्चात बजरंग बली और मगर ध्वज के बीच में युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से बांध दिया और मंदिर में प्रवेश कर गए। उनके चरण स्पर्श होते ही देवी भूमि में धंस गई और वे अपना मुंह खोलकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। मगर ध्वज ने कहा, अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय पर बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही बजरंग बली ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख और यज्ञ के समय राम और लक्ष्मण को ले आए। उस समय राक्षस उनका कई तरह से मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे थे और उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा। अहिरावण ने कहा, अब तुम अपने रक्षक को याद करो। जिस पर भगवान हंसे और बोले, देखना तुम्हारी देवी कहीं तुम्हें न खा जाए। जिस पर रावण उन पर तलवार चलाने ही वाला था, तभी हनुमान जी दहाड़ते हुए वहां पर पहुंचे और फिर बजरंग बली और अहिरावण का युद्ध हुआ। अहिरावण और राक्षसों का वध करने के बाद बजरंग बली भगवान को शिविर में ले आए। चारों तरफ खुशी और जयकारे का शोर था। हनुमान अहिरावण युद्ध से चारों दिशाओं में हनुमान जी के जयकारे होने लगे। यही नहीं, युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया।